वेलकम टू टेस्ट कहानी। आज हम बनाएंगे बहुत ही रिच और मज़ेदार मलाई बोटी पिज्ज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर रेसिपीज़ एंड वीडियोज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टेस्ट कहानी को अभी सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते 3 से 4 नई रेसिपीज़ इंजॉय करें। छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई 500 ग्राम बोनलेस चिकन में शामिल करें पिसा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च 3 खाने के चम्मच, कच्चा पपीता 3 खाने के चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 लीमू का रस, मेयोनेज 2 खाने के चम्मच, मलाई 4 खाने के चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब एक फ्राइंग पैन में 3 खाने के चम्मच ऑयल डालें और एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल करें। अच्छी तरह फ्राई करें। अब शामिल करें उबले और ब्लेंड हुए 3 मीडियम साइज के टमाटर, कड़ी पत्ता 5 से 6 अदद, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करें। अब थोड़े से पानी में 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर मिक्स करते हुए शामिल करें। सॉस को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। 5 मिनट के लिए और पकाएं। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक सॉस पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल डालें, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल करें और थोड़ा सा फ्राई करें। अब शामिल करें मैदा 3 खाने के चम्मच, मिक्स करते हुए थोड़ा पकाएं। 2 कप दूध शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। अब शामिल करें मलाई 4 खाने के चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, ओरिगैनो 1/4 चाय का चम्मच, जायफल पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करें और थिक हो जाने तक पकाएं। अब 3 पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए एक बोल में इंस्टेंट ईस्ट का 1 साचे शामिल करें, चीनी 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 1 कप पानी शामिल करें। थोड़ा सा मिक्स करें और ईस्ट को 5 मिनट के लिए रख दें। अब 4 कप मैदे में ईस्ट का मिक्सचर शामिल करें और अच्छी तरह गूंदना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और गूंदते जाएं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेकर डो पे अच्छी तरह लगा दें। अब डो का साइज डबल हो जाने तक छोड़ दें। फ्राइंग पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल डालें और मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करें। चिकन ड्राई हो जाने तक पकाएं। अब चिकन को थोड़ी सी कोयले की धुनी लगाएं। अब डो के 3 हिस्से करके पैन के साइज के हिसाब से बेलना शुरू करें।
बेली हुई डो को ग्रीस हुए पिज़्ज़ा पैन में रखें, किनारों से अच्छी तरह चिपका लें। अब एक कांटे की मदद से पूरी डो में होल कर लें। सबसे पहले डो पे पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह लगाएं। थोड़ा सा वाइट सॉस डालें और अच्छी तरह फैलाएं। अब फ्राई हुई चिकन की एक लेयर लगाएं। बारीक कटी हुई प्याज, कद्दूकस हुई मोज़रेला और चेडर चीज़ से टॉपिंग करें। आखिर में ड्राइड ओरिगैनो छिड़कें। ओवन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए गर्म करें और पिज़्ज़ा को 15 मिनट के लिए बेक करें। बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।